तो दोस्तों अगर आपका बजट है 45,000 और आप देख रहे हैं इस रेंज में कोई बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हमने 45,000 के बजट में आने वाले टॉप 5 बेस्ट कैमरा फोन्स को सिलेक्ट किया है, जिससे आप प्रो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या ब्लॉगिंग भी करना चाहें, ये फोन बेस्ट कैमरा क्वालिटी लेके आएंगे। साथ इन फोन्स में आपको ओवरऑल सारे फीचर्स भी तगड़े मिल जाएंगे, जिससे परफॉर्मेंस में आपको कोई भी इशू देखने नहीं मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर गूगल पिक्सल 7 स्मार्टफोन। दोस्तों गूगल के फोन हमें थोड़े डिफरेंट लुक और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ मिलते हैं। इसके अलावा ये फोन स्टॉक एंड्रॉइड भी लेके आता है, तो अगर आपको कोई क्लीन यूआई के साथ फोन लेना हो तो ये फोन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है गूगल का पावरफुल चिपसेट गूगल टेंसर G2, जो एक डिसेंट चिपसेट है। साथ ये फोन सिक्योरिटी पर्पज से एक टाइटन M2 चिप भी लेके आता है। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा इसमें 10.8 मेगापिक्सल का मिलता है। और इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। तो इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले मिलती है, जिसमें SDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो इसकी बैटरी की बात करें तो ये फोन 4355 mAh की बैटरी लेके आता है, और चार्जिंग इसमें 30 वाट की मिल जाती है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 43,000 में ही मिल जाता है। सो नंबर 4 पर है ओप्पो रेनो 11 प्रो स्मार्टफोन। दोस्तों ओप्पो का ये फोन कैमरा पर्पज से काफी अच्छा है, तो अगर आपको कोई ओप्पो का कैमरा सेंट्रिक फोन लेना हो तो ये फोन आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होगी। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर, जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। और सबसे खास इस फोन में आपको मेन कैमरे में सोनी IMX890 सेंसर मिलता है, और टेलीफोटो लेंस में सोनी IMX709, और ये दोनों ही कैमरा सेंसर तगड़ी क्वालिटी लेके आते हैं, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का मिलता है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले मिलती है, जो काफी वाइब्रेंट कलर लेके आती है। इसके अलावा इसकी डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, SDR 10 प्लस का सपोर्ट और AGC ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने मिल जाती है, और ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 14 भी लेके आता है। तो इस फोन की बैटरी की बात करें तो इसमें 4600 mAh की बैटरी मिलती है, और चार्जिंग ये 80 वाट की सपोर्ट करता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 40,000 में मिल जाता है। सो नंबर 3 पर है सैमसंग गैलेक्सी S23 FE। दोस्तों सैमसंग के इस फोन में प्राइस में थोड़ा ड्रॉप देखने मिला है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा ये फोन कैमरे की क्वालिटी भी जबरदस्त लेके आता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है सैमसंग एक्सिनोस 2200 प्रोसेसर, जो कि एक डिसेंट चिपसेट है। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। और इसके मेन कैमरे से आप 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और फ्रंट कैमरा इसमें 10 मेगापिक्सल का मिलता है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो ये फोन 6.4 इंच की डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, और इस डिस्प्ले से आप मूवीज देखते हैं या कोई भी कंटेंट देखते हैं। इसमें आपको कलर्स काफी क्लियर मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसकी डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, SDR 10 प्लस का सपोर्ट और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, और ये फोन IP68 की रेटिंग के साथ भी आता है। तो इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 4500 mAh की बैटरी मिलती है, और चार्जिंग 25 वाट की। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB RAM 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 44,000 में मिल जाता है। सो नंबर 2 पर है Vivo V30 Pro स्मार्टफोन। दोस्तों Vivo का ये फोन जायस की पार्टनरशिप के साथ मिलता है, जिसने इसके कैमरा डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम किया है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है MediaTek का पावरफुल चिपसेट MediaTek Dimensity 8200, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। और इसके मेन कैमरे में सोनी IMX920 सेंसर मिलता है, और अल्ट्रा वाइड में सोनी IMX816, और फ्रंट कैमरा इसमें 50 मेगापिक्सल का मिलता है। और इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, SDR 10 प्लस का सपोर्ट और ब्राइटनेस 2800 निट्स की मिल जाती है। तो इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, और चार्जिंग ये 80 वॉट की लेके आता है, और ये फोन एंड्रॉइड वर्जन 14 के साथ भी आता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 42,000 में ही मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन OnePlus 12R। दोस्तों
OnePlus का ये फोन कैमरा पर्पस से बेस्ट तो है ही, साथ ही इसमें प्रोसेसर भी तगड़ा मिल जाता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर। इसके अलावा इस फोन में हीटिंग मैनेज करने के लिए डुअल क्रायोवेलोसिटी वेपर कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे एक सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 15 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। बट इसके मेन कैमरे में सोनी IMX890 सेंसर मिलता है और अल्ट्रा वाइड में सोनी IMX355, और ये दोनों ही कैमरा सेंसर बहुत अच्छी क्वालिटी लेके आते हैं। और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120Hz का, SDR10+ का सपोर्ट और ब्राइटनेस 4500 की मिलती है। इसके अलावा इसकी डिस्प्ले में एक्वा टच का सपोर्ट भी देखने मिलता है, जो कि रेनी सीजन के लिए काफी यूजफुल फीचर है। तो इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 5500mAh की बैटरी मिलती है और चार्जिंग 100W की लेके आता है, और इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 14 भी मिल जाता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 16GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 45,000 में मिल जाता है।